टाइमलेस पॉडकास्ट प्रेजेंस सादत हसन मंटो का अफसाना गोली, जिसे प्रोड्यूस किया है टाइमलेस अमृतसर ने और आवाज है भव्या कश्यप की। शफकत दोपहर को दफ्तर से आया तो घर में मेहमान आए हुए थे। औरतें थी जो बड़े कमरे में बैठी थी। शफकत की बीवी आयशा उनकी मेहमान नवाजी में मशरूफ थी। जब शफकत सहन में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी बाहर निकली और कहने लगी, अजीज साहब की बीवी और उनकी लड़कियां आई हैं। शफकत ने हैट उतारकर माथे का पसीना पोंछा। आयशा ने आवाज दबाकर जवाब दिया, हाय आपके अब्बा जी के दोस्त। ओ अजीज चचा। हाँ हाँ वही, शफकत ने जरा हैरत से कहा। मगर वो तो अफ्रीका में थे ना? आयशा ने मुंह पर उंगली रखी। जरा आहिस्ता बात कीजिए, आप तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो अफ्रीका में ही थे, लेकिन जो अफ्रीका में हो क्या वो वापस नहीं आ सकता? लो अब तुम लगी मैन मेक करने, आप तो लड़ने लगे। आयशा ने एक नजर अंदर कमरे में डाली। अजीज साहब अफ्रीका में ही हैं, लेकिन उनकी बीवी अपनी लड़की की शादी करने आई है, कोई ओछा बुरा ढूंढ रही है। अंदर से अजीज की बीवी की आवाज आई, आयशा तुमने रोक क्यों लिया शफकत को? आने दो, आओ शफकत बेटा आओ, तुम्हें देखे इतनी मुद्दत हो गई है। आया चच्ची जान। शफकत ने हैंडस्टैंड की खूंटी पर रखा और अंदर कमरे में दाखिल हुआ। आबाद अर्थ चच्ची जान। अजीज की बीवी ने उठकर उसको दुआएं दी, सर पर हाथ फेरा और बैठ गई। शफकत बैठने लगा तो उसने देखा कि सामने सोफे पर दो गोरी गोरी लड़कियां बैठी हैं। एक छोटी थी एक बड़ी, दोनों की शक्ल आपस में मिलती थी। अजीज साहब बड़े वजीहा आदमी थे, उनकी ये वजाहत उन लड़कियों में बड़े दिलकश तौर पर तकसीम हुई थी। आंखें माँ की थी नीली, बाल भूरे और काफी लंबे। दोनों की दो चोटियां थी, छोटी का चेहरा बड़ी के मुकाबले में ज्यादा निखरा हुआ था, बड़ी का चेहरा जरूरत से ज्यादा संजीदा था। उनकी माँ उनसे मुखातब हुई, बेटा सलाम करो भाई को। छोटी ने उठकर शफकत को आबाद अर्ज किया। बड़ी ने बैठे बैठे जरा झुककर कहा, तस्लीमात। शफकत ने मुनासिब और मौजू जवाब दिया। उसके बाद अजीज साहब और अफ्रीका के मुतल्लिक बातों का लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया। नैरोबी, टांगानिका, दरुसलाम, करातीन, योगंडा, इन सब की बातें शुरू हुई। कहाँ का मौसम अच्छा है, कहाँ का खराब है, फल कहाँ अच्छे होते हैं, फलों का जिक्र छिड़ा तो छोटी ने कहा, यहाँ हिंदुस्तान में तो निहायत ही जलील फल मिलते हैं। जी नहीं, बड़े अच्छे फल मिलते हैं, बशर्ते कि मौसम हो। शफकत ने अपने हिंदुस्तान की आबरू बचाना चाही। गलत है, छोटी ने नाक चढ़ाई। अम्मी जान, ये जो कल आपने मार्केट से माल्टे लिए थे, क्या वहाँ के मचंगों का मुकाबला कर सकते हैं? लड़कियों की माँ बोली, शफकत बेटा ये सही कहती हैं, यहाँ के माल्टे वहाँ के मचंगों का मुकाबला नहीं कर सकते। आयशा ने छोटी से पूछा, तल्लत ये मचंगा क्या होता है, नाम तो बड़ा अजीबो गरीब है। तल्लत मुस्कुराई, आपा एक फल है माल्टे और मीठे की तरह, इतना लजीज होता है कि मैं बयान नहीं कर सकती, और रस एक निचोड़िए, ये गिलास जो तिपाई पर पड़ा है लवाला भर जाएगा। शफकत ने गिलास की तरफ देखा और अंदाजा लगाने की कोशिश की कि वो फल कितना बड़ा होगा, एक मचंगे से इतना बड़ा गिलास भर जाता है। तलत ने बड़े फखरिया अंदाज में जवाब दिया, जी हाँ। शफकत ने ये सुनकर कहा, तो फल यकीनन बहुत बड़ा होगा। तलत ने सिर हिलाया, जी नहीं, बड़ा होता है ना छोटा, बस आपके यहाँ के बड़े माल्टे के बराबर होता है, यही तो उसकी खूबी है कि रस ही रस होता है इसमें। और अम्मी जान, वहाँ का अनानास बड़ी रोटी के बराबर उसकी एक काश होती है। देर तक अनानास की बातें होती रही। तलत बहुत बातूनी थी, अफ्रीका से उसको इशक था, वहाँ की हर चीज उसको पसंद थी। बड़ी, जिसका नाम निखत था, बिल्कुल खामोश बैठी थी, उसने गुफ्तगू में हिस्सा ना लिया। शफकत को जब महसूस हुआ कि वो खामोश बैठी रही है तो वो उससे मुखातब हुआ, आपको गालिबन इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं? निखत ने अपने होंठ खोले, जी नहीं, सुनती रही हूँ बड़ी दिलचस्पी से। शफकत ने कहा, लेकिन आप बोली नहीं। अजीज की बीवी ने जवाब दिया, शफकत बेटा उसकी तबीयत ही ऐसी है,
शफकत ने जरा बेतकल्लुफी से कहा, चच्ची जान, इस उम्र में लड़कियों को खामोशी पसंद नहीं होनी चाहिए। ये भी कोई बात है कि मुंह में घंघरियां डाले बैठे रहो? फिर वो निखत से मुखातिब हुआ, जनाब आपको बोलना पड़ेगा। निखत के होठों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट पैदा हुई। बोल तो रही हूँ भाईजान। शफकत मुस्कुराया, तस्वीरों से दिलचस्पी है आपको? निखत ने निगाहें नीची करके जवाब दिया, जी हाँ। तो उठिए, मैं आपको अपना एल्बम दिखाऊं, दूसरे कमरे में है। ये कहकर शफकत उठा। चलिए। आयशा ने शफकत का हाथ दबाया। पलट कर उसने अपनी बीवी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसने आंखों ही आंखों में कोई इशारा किया जिसे शफकत ना समझ सका। वो मुतय्यर था कि खुदा मालूम क्या बात थी कि उसकी बीवी ने उसका हाथ दबाया और इशारा भी किया। वो सोच ही रहा था कि तल्लत खट से उठी। चलिए भाईजान, मुझे दूसरों की एल्बम देखने का शौक है, मेरे पास भी एक कलेक्शन है। शफकत तल्लत के साथ दूसरे कमरे में चला गया। निखत खामोश बैठी रही। शफकत तल्लत को तस्वीरें दिखाता रहा। हस्बे आदत तल्लत बोलती रही। शफकत का दिमाग किसी और तरफ था। वो निखत के मुतल्लिक सोच रहा था कि वो इस कदर खामोश क्यों है और वो तस्वीरें देखने उसके साथ क्यों नहीं आई। जब उसने उसको चलने के लिए कहा तो आयशा ने उसका हाथ क्यों दबाया? इस इशारे का क्या मतलब था जो उसने आंखों के जरिए किया था? तस्वीरें खत्म हो गई। तल्लत ने एल्बम उठाया और शफकत से कहा, बाजी को दिखाती हूँ, उनको बहुत शौक है तस्वीरें जमा करने का। शफकत पूछने ही वाला था कि अगर उनको शौक है तो वो उसके साथ क्यों नहीं आई, मगर तल्लत एल्बम उठाकर कमरे से निकल गई। शफकत बड़े कमरे में दाखिल हुआ तो निखत बड़ी दिलचस्पी से एल्बम की तस्वीरें देख रही थी। हर तस्वीर उसको मुसर्रत पहुंचाती थी। आयशा लड़कियों की माँ से बातें करने में मशगूल दिख रही थी। शफकत कनखियों से देखता रहा। उसका चेहरा जो पहले जरूरत से ज्यादा संजीदगी की धुन में लेटा था, अब गंभीरता से भरा था। ऐसा लगता था कि तस्वीरें जो आर्ट का बेहतरीन नमूना थी उसको राहत पहुंचा रही थी। उसकी आंखों में अब चमक थी, लेकिन जब एक घोड़े और सेहतमंद औरत की तस्वीर आई तो ये चमक मान पड़ गई। एक हल्की सी आह से उसके सीने में लर्जी और वहीं दब गई। तस्वीरें खत्म हुई तो निखत ने शफकत की तरफ देखा और बड़े प्यारे अंदाज से कहा, भाईजान शुक्रिया। शफकत ने एल्बम निखत के हाथ से लिया और मेंटल पीस पर रख दिया। उसके दिमाग में खुदबुद हो रही थी। उसको ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़ा इसरार उस लड़की की जिंदगी के साथ वाबस्ता है। उसने सोचा शायद कोई नामुकम्मल रोमांस हो या कोई नफ्सियाती हादसा। चाय आई तो शफकत निखत से मुखातब हुआ, उठिए चाय बनाइए, ये प्रिविलेज लेडीज का है। निखत खामोश रही, लेकिन तल्लत फुदक कर उठी, भाईजान मैं बनाती हूँ। निखत का चेहरा फिर धुंध में लिपट गया। शफकत का तजस्सुम बढ़ता गया। एक बार जब उसने गैर इरादी तौर पर निखत को घूर के देखा तो वो सटपटा सी गई। शफकत को दिल ही दिल में इस बात का अफसोस हुआ कि उसने क्यों ऐसी नाजेबा हरकत की। चाय पर इधर उधर की बेशुमार बातें हुई। तल्लत ने इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। टेनिस का जिक्र आया तो उसने शफकत को बड़े फख्रिया अंदाज में, जो शेखी की हद तक जा पहुंचा था, बताया कि वो नैरोबी में नंबर वन टेनिस प्लेयर थी और 15-20 कप जीत चुकी है। निखत बिल्कुल खामोश रही। उसकी खामोशी बड़ी उदास थी। साफ पाया था कि उसको इस बात का एहसास है कि वो खामोश है। एक बात जो शफकत ने खास तौर पर नोट की थी कि अजीज की बीवी की ममता का रुख ज्यादातर निखत की तरफ था। उसने खुद उठकर बड़े प्यार मोहब्बत से उसको क्रीम रोल दिए, मुंह पोंछने के लिए अपना रुमाल दिया। उससे कोई बात करती थी तो इसमें प्यार भी होता था। ऐसा लगता था कि वो बातों के जरिए से भी उसके सर पर मोहब्बत भरा हाथ फेर रही है या उसको चमका रही है। रुखसत का वक्त आया तो अजीज की बीवी उठी, बुरका उठाया, आयशा से गले मिली, शफकत को दुआएं दी और निखत के पास जाकर आंखों में आंसू ला देने वाले प्यार से कहा, चलो बेटा चले। तलत फुदक कर उठी। अजीज की बीवी ने निखत का एक बाजू थामा,
दूसरा बाजू तलत ने पकड़ा। उसको उठाया गया। शफकत ने देखा कि उसका निचला धड़ बिल्कुल बेजान है। एक लहजे के लिए शफकत का दिलो दिमाग थम सा गया। जब वो संभला तो उसे अपने अंदर एक तेज सी उठती महसूस हुई। लड़खड़ाती हुई टांगों पर माँ और बहन का सहारा लिए निखत गैर यकीनी कदम उठा रही थी। उसने माथे के करीब हाथ ले जाकर शफकत और आयशा को आबाद अर्ज किया। कितना प्यारा अंदाज था, मगर उसके हाथ ने शफकत के दिल पर जैसे घूंसा मारा। सारा इसरार उस पर वाजी हो गया। सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में आया कि कुदरत क्यों इतनी बेरहम है, ऐसी प्यारी लड़की और उसके साथ इस कदर जालिमाना बहिमाना सलूक। उस मासूम का आखिर गुनाह क्या है जिसकी सजा इतनी कड़ी दी गई। सब चले गए, आयशा उसको बाहर तक छोड़ने गई। शफकत एक फलसफी बनकर सोचता रह गया। इतने में शफकत के दोस्त आ गए और वो भी अपनी बीवी से निखत के बारे में कोई बात कर ना सका। अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने में ऐसा मशगूल हुआ कि निखत और उसके रोग को भूल ही गया। जब रात हो गई और आयशा ने उसे नौकर के जरिए से खाने पर बुलवाया तो उसे अफसोस हुआ कि उसने महज एक खेल के खातिर निखत को फरामोश कर दिया। चुनाचे उसका जिक्र उसने आयशा से भी किया, लेकिन उसने कहा, आप खाना खाइए, मुफस्सल बातें फिर हो जाएंगी। मियां बीवी दोनों इकट्ठे सोते थे। जब से उनकी शादी हुई थी वो कभी रात को एक दूसरे से जुदा नहीं हुए थे और उनकी शादी को करीब करीब 6 बरस हो गए थे, मगर इस दौरान में कोई बच्चा ना हुआ था। डॉक्टरों का ये कहना था कि आयशा में कुछ कसूर है जो सिर्फ ऑपरेशन से दूर हो सकता है, मगर वो इससे बहुत खाइफ थी। मियां बीवी बहुत प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे थे, उनके दरमियान कोई रंजिश नहीं थी। रात को वो इकट्ठे लेटते, हस्बे मामूल जब एक दूसरे के साथ लेटे तो शफकत को निखत याद आई। उसने एक आह भरकर अपनी बीवी से पूछा, आयशा निखत बेचारी का रोग क्या है? आयशा ने भी आ भरी और बड़े अफसोसजनक लहजे में कहा, 3 बरस की नन्नी मन्नी बच्ची थी कि तब पे मोहरका हुआ, निचला धड़ मफलूज हो गया। शफकत के दिल में निखत के लिए हमदर्दी का बेपनाह जज्बा पैदा हुआ। उसने अपनी बीवी की पीठ को अपने सीने के साथ लगा लिया और कहा, आयशा खुदा क्यों इतना जुल्म है? आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। शफकत को दिन के वाकयात याद आने लगे। जब मैंने उससे कहा था कि चलो मैं तुम्हें एल्बम दिखाता हूँ तो तुमने मेरा हाथ इसीलिए दबाया था कि हाँ हाँ और क्या, आप तो बार बार, खुदा की कसम मुझे मालूम न था। उसको इसका बहुत एहसास है कि वो अपाहिज है। तुमने ये कहा है तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे सीने में किसी ने तीर मारा है। जब वो आई तो खुदा की कसम मुझे बहुत दुख हुआ। बेचारी को पेशाब करना था, माँ और छोटी बहन साथ गई। इजार बंद खोला फिर बंद किया, कितनी खूबसूरत है, बैठी हो तो खुदा की कसम बिल्कुल पता नहीं चलता कि फालिस जदा है, बड़ी जहीन लड़की है। अच्छा, माँ कहती थी किसने कहा था कि अम्मी जान शादी नहीं करूंगी, कुंवारी रहूंगी। शफकत थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। उसके बाद उसने इंतहाई दुख महसूस करते हुए कहा, तो उसको इस बात का एहसास है कि उससे शादी करने के लिए कोई रजामंद नहीं होगा? आयशा ने शफकत की छाती के बालों में उंगलियों से कंघी करते हुए कहा, शफकत साहब कौन शादी करेगा एक अपाहिज से? नहीं नहीं ऐसा ना कहो आयशा, इतनी बड़ी कुर्बानी कौन कर सकता है शफकत साहब? तुम ठीक कहती हो, खूबसूरत है, अच्छे खाते पीते माँ बाप की लड़की है, सब ठीक है, मगर मैं समझता हूँ, लेकिन मर्दों के दिल में रहम कहाँ? शफकत ने करवट बदली, ऐसा ना कहो आयशा। दोनों रूबरू हो गए, मैं सब जानती हूँ, कोई ऐसा मर्द ढूंढिए जो उस बेचारी से शादी करने पर आमदा हो। मुझे मालूम नहीं, लेकिन बड़ी बहन है, गरीब को कितना बड़ा दुख है कि उसकी छोटी बहन की शादी की बातचीत हो रही है। सही कहती हो तुम, आयशा ने एक लंबी आह भरी। क्या बेचारी इसी तरह सारी उम्र कुड़ती रहेगी? नहीं, ये कहकर शफकत उठकर बैठ गया। आयशा ने पूछा, क्या मतलब, तुम्हें उससे हमदर्दी है? क्यों नहीं, खुदा की कसम खाकर कहो। हाय, ये भी कोई कसम खिलवाने की बात है, हर इंसान को उससे हमदर्दी होनी चाहिए। शफकत ने चंद लम्हात खामोश रहने के बाद कहा, तो मैंने एक बात सोची है।
आयशा ने खुश होकर कहा, क्या? मुझे हमेशा इस बात का एहसास रहा है कि तुम बहुत बुलंद ख्याल की औरत हो। आज तुमने मेरे इस ख्याल को साबित कर दिया है। मैंने, खुदा मेरे इस इरादे को इस्तकामत बख्शे, मैंने इरादा लिया है कि मैं निखत से शादी करूंगा।